آج کا لفظ یہ کیا؟ ہاں ایلمو، میں جہاز بنا رہا ہوں لیکن پتا نہیں یہ کیا بن گیا، مجھے جہاز نہیں بنانا آتا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم ایموجی سے سیکھیں گے۔ ہاں ایلمو، زیب جہاز بنا رہے؟ ہاں۔ کس لیے؟ کھیلنے کے لیے۔ تو چلو جہاز بناؤ، ہم کھیلتے ہیں پھر۔ پر ہمیں تو نہیں آتا جہاز بنانا۔ تمہیں نہیں آتا؟ آپ ہمیں سکھائیں گے؟ ہاں، تم یہ جہاز بنا رہے تھے، اچھا اس کو پہلے آدھا فولڈ کرو، اس کو آدھا یوں طے کرو، یہ بہت اچھے۔ اب اس کو ادھر لا، ادھر لا، ادھر لا۔ اب اس کو اوپر سے یوں ایک کو ادھر اس طرح فولڈ، یہ اچھا۔ اب اسی طرح دوسرے کو فولڈ کرو، ایسے ایسے ایسے، یہ۔ اب اس کو اس طرح واپس لاؤ، یہ بہت اچھے۔ یہ دیکھو اب کیا کرنا ہے پھر، اب پھر بیچ میں اس کو طے کرو۔ ہاں اچھا، یہ ایلمو کو بھی دیکھنے دو، یہ دیکھو ایلمو۔ اب ادھر سے چھوٹی سی اس تکون کو اوپر طے کر دو، یہ اس کے پر بناؤ یہاں سے، بہت اچھے۔ اب اس کو تھوڑا سا طے کرو، یہ تو بن گیا۔ ہاں اگلے کو بھی، یہ دیکھو ایموجی، یہ تو جہاز بن گیا۔ بالکل، اب ہم سب بیٹھ کے اس پہ سیر کریں گے۔ اور ایمو نے بھی سیکھ لیا۔ چلو تم بیٹھ سکتے ہو اس پہ۔ اور آج کا لفظ ہے سیکھنا۔ سیکھنا کیا ہے؟ جاننا ہے، چیزوں کو پہچاننا ہے۔ سیکھنا کیا ہے؟ جاننا ہے، چیزوں کو پہچاننا ہے۔ سیکھنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ سیکھنا ایک عبادت ہے، جاننا ایک ضرورت ہے۔ سیکھنا کیا ہے؟ جاننا ہے، چیزوں کو پہچاننا ہے۔ ہو ہو ہو، منے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ماسٹر جی، میں وہ کتاب نکالنا چاہ رہا ہوں۔ کون سی کتاب؟ وہ دیکھیں اوپر نمبر والی۔ یہ والی کتاب؟ ہاں یہ لو۔ شکریہ ماسٹر جی۔ ارے آپ نے کتنے آرام سے نکالی یہ کتاب، اور مجھ سے کیوں نہیں نکالی گئی؟ اس لیے کہ میں لمبا ہوں اور آپ چھوٹے۔ ہاں آپ لمبے اور میں چھوٹا۔ اچھا آپ کو اس کمرے میں اور بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ لمبی ہو اور دوسری چھوٹی ہو؟ جی یہ دیکھیں، یہ مگ چھوٹا ہے اور پھر یہ مگ لمبا ہے۔ بالکل، یہ مگ لمبا ہے اور یہ مگ چھوٹا ہے۔ کوئی اور چیز؟
और चीज वो देखिए वो बोतल लंबी और वो बोतल छोटी। बिल्कुल, ये बोतल लंबी और ये बोतल छोटी। हाँ, छोटा मैं लंबे आप, छोटा मग लंबा मग, छोटी बोतल लंबी बोतल। बिल्कुल। आप भी अपने इर्द गिर्द लंबी और छोटी चीजें ढूंढिए। आज कितना अच्छा मौसम है। रानी, तुम ऊपर आसमान में क्या ढूंढ रही हो भाई? अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी, मैं आसमान में रंग ढूंढ रही हूँ। कौसे कज़ा ढूंढ रही हो? अच्छा, इन रंगों को कौसे कज़ा कहते हैं? वो रही, मिल गई। कितने सारे रंग हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। वैसे मास्टर जी, कौसे कज़ा कैसे बनती है? रानी, ये पानी के कतरों से बनती है। मगर इन कतरों में रंग कैसे आते हैं? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, होता यूं है कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद हवा में तब भी थोड़ी सी नमी रहती है। वो नमी दरअसल क्या होती है? वो भी छोटे छोटे पानी के कतरे ही होते हैं, जो कि नजर नहीं आते वैसे। उस वक्त अगर सूरज निकल आए और सूरज की सफेद किरणें जो हैं उन छोटे छोटे बारीक पानी के कतरों को छुएं, तो वो छोटे छोटे पानी के बारीक कतरे जो उनको बांट देते हैं सात मुख्तलिफ रंगों में, जिसको हम कौसे कज़ा कहते हैं। मसलन लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ऊदा और जामनी। और ये होती है कौसे कज़ा। तो जब बारिश होती है, क्या कौसे कज़ा तभी नजर आती है? और कई बार आबशारों के करीब भी, क्योंकि वहां भी पानी के हवा के अंदर उड़ रहा होता है और छोटे छोटे कतरे होते हैं और नमी होती है, वहां भी कई बार नजर आती है। मास्टर जी, मुझे तो कौसे कज़ा बहुत अच्छी लगती है। सारों को ही अच्छी। मेरा नाम बिलावल सांगरू है। मैं मोहनजोदड़ो सिंध का रहने वाला हूँ। मैं जो हूँ, मैं पाँचवीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये मोहनजोदड़ो जो है वो दरियाए सिंध के किनारे पे था, इसलिए हम इसे सिंध की सकाफत कहते हैं। जब भी छुट्टी होती है मैं यहाँ पे आता हूँ। ये भी एक तालाब है जहाँ पे जो राजा की रानी थी वो नहाया करती थी। ये जो है ये बादशाह का शाही तख्त है। यहाँ पे जो है बादशाह बैठा करता था और अपने लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किया करता था। यहाँ पे लोग इबादत भी किया करते थे। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है। आसमां को ये रंग सारे मिल के खूब सजाते हैं, बारिश और सूरज मिलजुल के क्या क्या रंग बनाते हैं।
मैंने इन रंगों से देखो क्या तस्वीर बनाई है, रंग बरंगी दुनिया इसमें सोची और दिखाई है, रंगों की इस दुनिया में खुशियों की गीत बनाई, आसमां को ये रंग सारे मिलके खूब सजाते हैं, बारिश और सूरज मिलजुल के क्या क्या रंग बनाते हैं। रंगों में जब रंग मिले तो रंग नए बन जाते हैं, कैसे बनती है तस्वीरें रंग हमें सिखलाते हैं, रंगों की तरह मिलके एक रंग में ढलते जाएं, आसमां तो ये रंग सारे मिलके खूब सजाते हैं, बारिश और सूरज मिल